डमी सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोपहर के 12 बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ भाई साहब जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें जय हिंद ऑफिसर्स आ जाइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार डिफेंस एग्जाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसका नाम है बच्चों द जीएस एस पोस्टमार्टम सीरीज भाई साहब आ जाइए फटाफट आ जाइए और बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कमेंट करना है तो फिर उस कंडीशन में आप जो है चैनल पर सब्सक्राइब होने चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं हाय प्रियांशु नाग आ जाइए अलीशान हैदर ईशु चौधरी फटाफट सब लोग जुड़ जाओ बच्चों ठीक है तो पोस्टमार्टम सीरीज आपको मालूम है हमारी क्या है इसमें बेटा हम लोग जो हैं उस सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे हैं जो सब्जेक्ट आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करता है भाई जी वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके वजह से आपका सिलेक्शन हमेशा से रुकता आया है मतलब यही वो सब्जेक्ट है बेटा जो कि कहते हैं ना कि बॉटल नेक है मतलब गले की हड्डी है जो आपके सिलेक्शन को रोकता है क्यों रोकता है तो इसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी था इसके लिए बेटा हमने पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया आपके एक एक पेपर्स का ताकि हमें मालूम चले कि एग्जाम का पैटर्न क्या है जब तक आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं मालूम मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप जो है अपना काम नहीं कर सकते तो ये पोस्टमार्टम बेटा हमने 2017 से शुरू किया इसके पीछे कारण था क्योंकि 2016 तक का सीडीएस का पेपर देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2010 से लेकर 2016 तक का सीडीएस का पेपर कंपैरेटिवली बहुत इजी आया करता था ये सारी कहानी चेंज होती है 2017 से इसलिए मैंने पूरा पोस्टमार्टम 2017 से शुरू किया है अब होता क्या है बेटा चार दिन समझो मंडे हो गया ट्यूसडे हो गया वेडनेसडे हो गया थर्सडे हो गया इन चारों दिन हम लोग क्या करते हैं तीस तीस क्वेश्चंस करते हैं तो तीस तीस क्वेश्चंस करके हम टोटल क्या करते हैं 120 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर फ्राइडे को हम क्या करते हैं फ्राइडे को बेटा हम लोग जो हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेश कर देते हैं 2017 का पूरा पेपर हम कर चुके हैं अब हम सी डी एस वन कर रहे हैं आज हमारा पार्ट नंबर थ्री है पार्ट नंबर थ्री का मतलब है आज वेडनेस डे है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन से लेकर नाइन्टी के बीच डिस्कस करने वाले हैं और कंपैरेटिवली मैं आपको बताऊं याद रखिएगा मैं कंपैरेटिवली आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं सी सीडीएस जो 2018 का पेपर था पहला पेपर वो बहुत टफ आया है तो ये आसान पेपर नहीं था याद रखिएगा ठीक है अनिल यादव बेटा देखो ऐसा है कि अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हैं तुम्हें चीजें आती हैं तो तो आप सिर्फ यूट्यूब से ही काम चला सकते हैं लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है प्रिपरेशन ही नहीं की है तो उस कंडीशन में बेटा बैच खरीदना चाहिए आपको बस इतना मैं कह सकता हूं ठीक है अनिल यादव ठीक है भाई फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो कमेंट्स करने के लिए ठीक है जल्दी जल्दी आ जाओ यार सारे लोग तो ये देखिएगा यहां पर एक कितनी खूबसूरत बात कही गई है यू वोट फेल अनलेस एंड अनटिल यू स्टॉप क्राइंग बस ये एक सच्चाई है कि आप तब तक की फेल नहीं हो सकते जब तक कि आप कोशिश करना ना बंद करते तो देखिए बहुत अच्छी बात है यू फेल अनलेस एंड अन यू स्टॉप ट्राइंग अब भाई साहब तुम जो है कोशिश करना ही बंद कर दोगे तो तुम फेल हो गए याद रखिएगा लेकिन अगर तुम कोशिश करना नहीं बंद करोगे तो तुम कभी फेल नहीं हो सकते एक कहावत है ना बेटा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है तो कोशिश करते रहो बेटा तुम्हें कभी भी हार नहीं मिलेगी जीवन में तो अपने बारे में मैं बता दूं मेरा नाम काशिम अंसारी है मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा हो चुका है वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हूं अन अकेडमी प्लस पर दो लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं ट्रूफ्स ऑफ जीनियस का मुझे अवार्ड मिल चुका है आप मुझे अन अकेडमी फॉलो कर सकते हैं जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी करंट अफेयर मिसलेनियस सब कुछ बेटा मैं पढ़ाता हूँ सो लेट्स क्रैक सी डी एस एप सी एफ विद इंडिया प्लेटफॉर्म अनडमी यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान अनलिमिटेड प्रैक्टिस अनलिमिटेड एक्सेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं इसके लिए आपको क्या करना है अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है याद रखिएगा मैंडेटरी ऐप है सभी लोगों के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी करते हैं वैसे मैं बता दूं कि अन बहुत सारी कैटेगरीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है आने वाले समय में आपको हमारी और भी सर्विसेज दिखाई देंगी याद रखिएगा ठीक है तो आप देख सकते हैं कि अन पे ऑलरेडी बेटा बहुत सारी सर्विसेस मिलती हैं आप देखेंगे आने वाले समय में हम कैटेगरीज बढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं कि अन अकेडमी में पे सारी क्लासेस लाइव होती हैं आप हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है और तीन हजार से ज्यादा कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में याद रखिएगा तो अन अकेडमी का फायदा यह है कि आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं अगर आपको किसी से पढ़ना पसंद नहीं है तो आप दूसरे से पढ़ सकते हैं दूसरे से नहीं पसंद है तीसरे से पढ़ सकते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं आप फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस में जाकर के मेरा कोड इस्तेमाल करें क्यूए लाइव आप वहां पर फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लीजिएगा इसके बाद मेरी स्पेशल क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं आप हमारे क्विजेस को दे सकते हैं यह हमारा टेलीग्राम चैनल है क्यू एंड ए एकेडमी से जुड़ जाइए अपडेट्स नोटिफिकेशन पीडीएफ के लिए और हमारा बैच शुरू हो चुका है सी डी एस ओ टी ए का नाइनटी डेज का बैच जिसमें जीएस मैं पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी डॉक्टर मिश्र सोदिया और मैथ सुजीत सर पढ़ाते हैं आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक महीने तीन महीने छह महीने बारह महीने चौबीस महीने वैसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन 12 और 24 महीने के होते हैं क्योंकि याद रखिएगा इसमें आप दो बार सी दो बार एफटेट दो बार आईनेट एक बार टेरिटोरियल आर्मी एक बार सी की तैयारी कर सकते हैं बस मेरा कोड याद रखिएगा क्यूएल जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन यू विल गेट टेन परसेंट फ्लैट डिस्काउंट शाम को छह बजे बेटा ये प्रैक्टिस बैच होता है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चे यहां पर आते हैं इसमें हम लोग टॉपिक वाइज जीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये भी आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर फ्राइडे को दोपहर को साढ़े तीन बजे हम लोग जो है मंथली करंट अफेयर्स करते हैं इस बार हम जनवरी 2021 को करेंगे ठीक है चलो भाई आ गए सारे लोग बहुत खराब भाई साहब बहुत खराब सिर्फ और सिर्फ पच्चीस बच्चे लाइव हैं बहुत अच्छे शाबाश वेरी गुड क्या बात है दिल खुश हो गया देख करके आज तो मजा ही आ गया ठीक है भाई बहुत बढ़िया शाबाश तो सब लोग आ चुके हैं तो फटाफट भाई साहब सब लोग जो हैं हरी झंडी दिखा दीजिए सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन चलो भाई चलो भाई गुड आफ्टरनून आ जाइए बहुत बहुत स्वागत है सभी का ठीक है हां जी चलो भाई आ जाओ सब लोग तो बेटा ये आखिरी पेपर है इसके बाद मैं पेपर डिस्कस नहीं करूंगा अगले मंडे से ठीक है सो दिस इज द लास्ट पेपर टू का पहला पेपर जो है ये अब लास्ट पेपर है इसके बाद मंडे से बेटा ये सीरीज को हम कर रहे हैं बंद ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए तो पहला क्वेश्चन ये देखिएगा मिडिवल हिस्ट्री से आ रहा है कंटेक्स्ट है मिडिवल हिस्ट्री का ठीक है जी तो अब देखिएगा यहां पर पूछा गया है अराउंड ट्वेल्थ सेंचुरी सूफी सिलसिलास विज्ञान टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड टू सिग्निफाई अब देखो यहां पर बहुत बढ़िया है ठीक है यहां पर देखिएगा कि आप देखेंगे कि 2018 वगैरह में 2018 और 19 में हिस्ट्री जो है वो बहुत टफ आती थी बहुत टफ इतनी टफ थी कि बेटा बड़े बड़ों की हवा निकल जाती थी इतिहास को करने में इसी के लिए बाद में आप देखेंगे कि 2019 से हिस्ट्री को कंपैरेटिवली इजी कर दिया गया याद रखेगा ठीक है तो यहां पर पूछा गया है ट्वेल्थ सेंचुरी में सूफी सिलसिलाज विज्ञान टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तो इस्लामिक वर्ल्ड क्यों किया गया टू कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड द डिसपल अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी टू द प्रोफिट मोहम्मद द ट्रांसमिशन ऑफ स्परिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग टू द डिवोटी आपको सही आंसर इसमें से बताना है जल्दी देखिए बहुत बढ़िया है हाँ जी जल्दी देखिए और सही जवाब दीजिए तो सूफी सिलसिला आप जानते हैं जो सूफी होते थे जैसे कि बेटा हमारे हजरत निजामुद्दीन औलिया हो गए या बेटा आपके हाजी अली हो गए या बेटा आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए ये सब क्या है ये सब सूफी सिलसिले से आते हैं याद रखिएगा तो यहां पर बात आता है कि इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड क्या सिग्निफाई करता था कंटिन्यूस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड एंडाइपल बिल्कुल सही है अनब्रोकन स्पिरिचुअल अनब्रोकेजी टू द प्रॉफिट मोहम्मद बिल्कुल सही है द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग टू द डिवोटीज बिल्कुल सही है राइट आंसर बेटा डी हो जाएगा वन टू एंड थ्री तो आप, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बेटा काफी ज्यादा टफ था तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि 2018 और 19 में जो क्वेश्चन आए थे वो कंपेरिटिवली बहुत टफ आए थे याद रखिएगा ठीक है अरे बेटा मैं बंद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई यूज नहीं दिख रहा है मुझे ठीक है तो मुझे कोई यूज नहीं दिख रहा है अट्ठाईस तीस बच्चों को पढ़ाने का क्या यूज है बेटा आप बिलीव करिए इस चीज को करने में जो है ना बहुत मेहनत लगती है ठीक है इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रिपेयर एनीथिंग फॉर यू ठीक है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमें जो है वोटिंग में बता देते हैं कि सर हमें ये करना है फिर जब आप लोग के लिए सीरीज शुरू करते हैं तो फिर आप लोग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो प्रश्न ये है कि जब तुम ए इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम क्यों भाई इतना पेन लें जीवन में आप लोग के लिए ठीक है चलो भाई ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री का है ऋग पीरियड से क्वेश्चन है इन द टेंथ मंडल ऑफ द द ऋग्वेद ऑफ फॉलोइंग हिम्स रिफ्लेक्ट्स अपॉन द मैरिज सेरेमनी तो कौन सा से जो हिम है वो मैरिज सेरेमनी से बात करता है जल्दी बताओ भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद का जो दसवां मंडल है ठीक है हां जी तो ऋग्वेद का बेटा जो दसवां मंडल है मैं आपको बता दूं इसके अंदर टोटल एक सौ इक्यानवे हैं याद रखिएगा ठीक है तो अब बात आती है कि कौन सा जो है वो मैरिज सेरेमनीज को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है तो सूर्या सुखता है पुरुषा सुखता है दाना सुतीज है या उड़ना सूत्रा है बहुत इजी क्वेश्चन है आराम से देखो हां जी जल्दी बताइएगा हां जी तो ऋग्वेद के दसवां मंडल याद रखिएगा तो ऋग्वेद के दसवें मंडल में एक सौ इक्यानवे बेटा जो है हिम्स हैं, जिसे श्लोक कहते हैं तो उनमें से कौन सा हिम जो है वो मैरिज सेरेमनीज को डिनोट करता है बेटा याद रखिएगा सूर्य देवता की जो बेटी की शादी है वो यहां पर दिखाई गई है तो सूर्य सुक्ता इज द राइट आंसर याद रखिएगा तो दसवां मंडल जो है उसके अंदर टोटल एक सौ इक्यानवे हैं जिसमें सूर्य सुक्ता जो है वो मैरिज सेरेमनीज को डिनोट करता है बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू का राइट आंसर ए है तो ऋग्वेद आपको मालूम है कि सबसे पुराना वेद होता है तो ऋग्वेद आपको मालूम है ऐसा वेद है बेटा जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड लिटरेचर में भी शामिल किया गया है याद रखिएगा बेटा ये यूनेस्को के वर्ल्ड लिटरेचर का भी हिस्सा है याद रखिएगा ऋग्वेद याद रखिएगा ठीक है तो ऋग्वेद इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और आपको मालूम होना चाहिए ऋग्वेद वेद में टोटल एक हजार हिम्स हैं याद रखिएगा ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है फ्रीडम स्ट्रगल से लेकिन अब आप देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है बेटा अब पहले आप देखेंगे क्वेश्चन बड़े टफ आते थे विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज आर करेक्ट कौन सा सही है अब एक दो तीन और चार भैया चार स्टेटमेंट हैं। चार स्टेटमेंट का मतलब है कि बेटा एलिमिनेशन मेथड तो लगेगा ही लगेगा तो एलिमिनेशन मेथड तो यहां पर काम आएगा ही आएगा गारंटी से काम आएगा इट वॉज बैडली शेकन बाई द चौरी चौरा इंसिडेंट इन उन्नीस सौ बाईस आफ्टर विच गांधी जी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द मूवमेंट ऑन अ मच स्पॉलर स्केल बेटा आप हमेशा याद रखिएगा चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने जो है चौरी चौरा की घटना आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास हुई थी जहां पर पुलिस ने जो है एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी थी बदले में लोग बहुत नाराज हो गए और लोगों ने पुलिस थाने को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई गांधी जी ने कहा कि मैंने मना किया था आप हिंसा नहीं करेंगे लेकिन आप हिंसा करते हैं और गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन में हिंसा का कोई जगह नहीं है इसलिए गांधी जी ने इस पूरे मूवमेंट को वापस ले लिया था पूरा का पूरा मूवमेंट वापस ले लिया था तो चौथा तो नहीं हो सकता ये तो गारंटी गलत हो गया याद रखिएगा इट वॉज मार्क्ड बाय द लैक ऑफ लेबर अनरस्ट इन प्लेसेस लाइक आसाम बंगाल एंड मद्रास बेटा तो मैं आपको बता दूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लेबर अनरेस्ट हुआ था बहुत हैवी हुआ था सो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है मतलब कि यह भी नहीं हो सकता इट वॉज पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट फ्रॉम कर्नाटका तो पहले मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना हैवी था ही नहीं तो भैया ये भी आपका गलत हो गया मतलब ये भी गलत हो गया सो राइट आंसर विल बी टू ओनली इट वॉज मार्क्ड बाई द नॉन ब्राह्मि लोअर कास्ट पार्टिसिपेशन इन मद्रास एंड महाराष्ट्र तो देखो बेटा इतना टफ क्वेश्चन था राइट आंसर डी है लेकिन एलिमिनेशन लगाओगे तो हो जाएगा आपको मालूम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने क्यों किया था भाई 1919 में अंग्रेजों ने भारत में कानून पास किया जिसका नाम था रोलैट्स एक्ट आपको मालूम होना चाहिए और रोलैक्स एक्ट के तहत अंग्रेजों ने कहा कि भारत में अगर कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ षडयंत्र करते पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा उसे सीधे जेल में डाल दिया जाएगा तो बेटा यह एक बहुत ही बड़ा काला कानून था और गांधी जी ने कहा कि हमें इसका विरोध करना चाहिए पंजाब में दो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू खान इन दोनों को अंग्रेजों ने जो है वो रोलैक्स एक्ट में अरेस्ट करा जिसका विरोध करने के लिए लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियान वाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहां पर आपको मालूम है कि अंग्रेजों का एक पागल जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर उसने गोलियां चलवा दी जिसमें पंद्रह जो है बेगुना भारतीयों की मौत हुई जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन की घोषणा करी थी हालांकि गांधी जी ने यह कहा था कि आप लोग जो है नॉन कॉपरेशन करें मतलब कि अंग्रेजों का कॉपरेशन बिल्कुल ना करें बच्चे स्कूल जाना छोड़ दें लोग नौकरी पे जाना छोड़ दें विदेशी चीजों को खरीदना छोड़ दें विदेशी कपड़े मत पहनिए बल्कि घर में बना हुआ खादी का कपड़ा पहनिए खुद बनाइए और खुद पहनिए तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन किया था लेकिन गांधी जी ने कहा था कि कोई भी इंसान हिंसा नहीं करेगा और गांधी जी ने कहा था मैं वादा करता हूं कि मैं अगले चार पांच साल में देश को आजाद करा दूंगा लेकिन बेटा वो चौरी चौरा की घटना हुई जिससे गांधी जी नाराज हो गए और उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन अपना वापस ले लिया था याद रखेगा ठीक है बहुत अच्छे शाबाश अब देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था यहां पर बहुत अच्छा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फोकस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया अ मेगा फूड इवेंट हेल्ड इन नवंबर 2017 इन 2017 इन न्यू दिल्ली तो वर्ल्ड फूड इंडिया तो पूछा गया था फोकस कंट्री कौन सी थी जर्मनी जापान डेनमार्क और इटली तो वर्ल्ड फूड इंडिया ये बहुत बड़ा फूड का कार्यक्रम हुआ था मेगा फूड इवेंट भारत में हुआ था 2017 में नवंबर में नई दिल्ली में याद रखिएगा यहां पर दो कंट्रीज जो थी वो फोकस कंट्रीज हुआ करती थी एक तो थी बेटा नेदरलैंड्स। तो एक तो इसमें नेदरलैंड्स हुआ करती थी अब नेदरलैंड्स तो ऑप्शन में है नहीं और दूसरी कंट्री जो फोकस की थी यहां पर वो थी बेटा इटली तो राइट आंसर विल बी डी दैट इज इटली तो याद रखिएगा ये वर्ल्ड फूड इंडिया ये बहुत बड़ा फूड इवेंट था जो कि नवंबर 2017 में नई दिल्ली में हुआ था जिसमें फोकस कंट्री नेदरलैंड्स और इटली हुआ करती थी याद रखिएगा हां जी ये बहुत बढ़िया है शाबाश ठीक है तो ये हुआ था मेगा फूड इवेंट जर्मनी जापान एंड डेनमार्क व पार्टनर कंट्रीज याद रखेगा सो जर्मनी जापान और डेनमार्क जो है वो पार्टनर कंट्रीज थी इटली एंड नेदर फॉर द फोकस कंट्रीज द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनग्रेटेड वर्ल्ड फूड इंडिया फ्रॉम द विज्ञान भवन इन न्यू डेली ठीक है हां जी बहुत बढ़िया नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द नोबल प्राइज सीरीज इंडिया दो हजार अट्ठारह साइंस इंपैक्ट लाइफ एग्जीबिशन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिक्सटी फाइव को देखेगा बेटा ये एक कार्यक्रम हमारे देश में किया गया था जिसमें दुनिया भर के जो नोबल लॉरेट्स हैं जो कि नोबेल प्राइजेस जीते हुए हैं या जो लोग साइंस के क्षेत्र में बहुत ही डिस्टिंग सर्विस करते हैं उनके वो जो है इकट्ठा किया गया था ताकि साइंस को जो है बढ़ावा दिया जा सके जल्दी बताइएगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग द्स विल बोस द नोबेल प्राइस सीरीज इंडिया दो साइंस इम्पैक्ट लाइफ एग्जिबिशन हाँ जी तो ये कहा हुई थी बहुत बढ़िया हाँ, शाबाश क्या बात है लोग सही जवाब दे रहे हैं राइट आंसर विल बी सी दैट इज गोवा सो गोवा इज द राइट आंसर बहुत अच्छे शाबाश बहुत बढ़िया शाबाश तो पांच क्वेश्चन हो गए भाई साहब लाइक और शेयर ठोक दो एक बार सारे लोग अभी तक सिर्फ 42 लाइक्स पर पहुंचे हैं और सिर्फ 38 बच्चे वाचिंग हैं चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं तो 65 का हमारा राइट आंसर सी है काफी सारे लोगों ने जवाब दिया है प्रतीक मोदी साहब कह रहे हैं लेट हो गया कोई परेशानी नहीं है आ जाइए बस पढ़ाई करिए और जवाब दीजिए ठीक है अब देखो बेटा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज रिसेंटली लॉन्च अ पैन इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रॉल्ड दीन दयाल स्पर्श योजना द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंक्रीज द रीच ऑफ देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज रिसेंटली लॉन्च अ पैन इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन कॉल्ड दीन दयाल स्पर्श योजना अब देखो दीन दयाल स्पर्श योजना द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंक्रीज द रीच ऑफ जी स्पोर्ट्स हो गया फिलहाल हो गया म्यूजिक हो गया वेब डिजाइनिंग हो गया भैया गलत जवाब नहीं चाहिए मेरे को गलत जवाब नहीं चाहिए हाँ जी बहुत बढ़िया है तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने दीन दयाल स्पर्श योजना शुरू करी थी जल्दी बताओ बहुत अच्छे हाँ जी जल्दी बताओ बहुत बढ़िया हाँ। तो दीन दयाल स्पर्श योजना ये किसके लिए था तो किसकी रीच बढ़ानी थी स्पोर्ट्स है फिलाटेली है म्यूजिक है वेब डिजाइनिंग है जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया हाँ। बहुत अच्छे बेटा तो दीन दयाल स्पर्श योजना जो है वो फिलाटेली के लिए थी अब आप पूछेंगे ये फिलाटेली क्या होती चलो देखते हैं कौन बताता है फिलाटेली होता क्या है जल्दी बताओ हां जी हाँ जी जल्दी बताइएगा तो इसमें भारत सरकार ने स्कॉलरशिप दी थी बच्चों को जो कि थी बेटा छह हजार रुपए पर एन तो छ हजार रुपए पर एन की जो स्कॉलरशिप थी बोले तो पांच सौ रुपए महीने की हां जी तो बहुत बढ़िया है तो दीनदयाल स्पर्श योजना फिलाटेली होता क्या है कौन बताएगा फिलाटेली क्या होता है बेटा गूगल मत करो हां जी बिल्कुल सही है तो फिलाटेली बेटा एक हॉबी है जहां पर इंसान को आदत होती है स्टैम्प कलेक्शन करने की तो स्टैम्प कलेक्शन बहुत सारे लोग होते हैं ना पुराने जमाने के स्टैम्प को रखते हैं अपने पास तो स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी होती है बेटा उसे फिलाटेली कहा जाता है याद रखिएगा सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शाबाश हां जी कलेक्शन ऑफ स्टैम्प के लिए किया गया था फिलाटेली उसे कहते हैं हां जी ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंपल्स ऑफ इंडिया हैज वन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन देखिएगा सो कौन सा टेंपल है भारत में जिसने यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट जीता है 2017 का फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन तो कमाख्या टेम्पल गुवाहाटी में है श्री रंगा स्वामी रंगनाथन स्वामी टेम्पल श्री रंगम में है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई है यह केदारनाथ टेम्पल एट केदारनाथ है जल्दी बताइएगा तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2017 किस टेम्पल ने जीता है जल्दी बताइएगा तो कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी श्री रंगन रंगनाथ स्वामी टेम्पल श्री रंगम मीनाक्षी टेंपल ऑफ मदुरई जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल सही है बेटा राइट आंसर विल बी रंगनाथन स्वामी टेम्पल एट श्री रंगम याद रखेगा तो रंगनाथन स्वामी टेम्पल जी तो श्री रंगानाथम स्वामी टेंपल इज द राइट आंसर राइट आंसर बेटा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर विल बी बी रंगानाथन स्वामी टेम्पल हां जी बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं देखिए कंटेक्सट आ रहा है करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा है वन ऑफ़ द फॉलोइंग टीम्स वॉज डिफीटेड बाई इंडिया टू विन द वुमेन्स हॉकी एशिया कप टाइटल दो हजार सत्रह हाँ जी तो कौन सी टीम वॉज डिफीटेड बाई इंडिया टू विन द वुमेन्स हॉकी एशिया कप टाइटल दो हजार सत्रह यह तो बहुत फेमस हुआ था भैया जी बताइएगा बहुत बढ़िया तो भैया वुमेन्स हॉकी एशिया कप टाइटल दो हजार सत्रह में भारत ने किसको हराया था बहुत ही सही क्वेश्चन है तो वुमेन्स हॉकी याद रखेगा तो वुमेन्स हॉकी एशिया कप टाइटल 2017 में भारत ने किसको हराया था बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया राइट आंसर विल बी बी दैट इज चाइना तो भारत ने जो है चीन को हराया था तो चाइना वॉज डिफीटेड बाई इंडिया टू तो विन द वुमेन्स हॉकी एशिया कप टाइटल 2017 इंडिया डिफीटेड चाइना टू विन वुमेन्स एशिया कप हॉकी टाइटल एंड क्वालिफाइड फॉर दो हजार अट्ठारह वर्ल्ड कप इंडियन वुमेन हॉकी टीम डिफीटेड सेकेंड एशिया कप फर्स्ट वन वॉस वन इन दो हजार चार टाइटल याद रखेगा ठीक है बहुत अच्छे शाबाश चाइना को हराया था अब देखो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है हांजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज नॉट करेक्ट बेटा ये देखो ये क्वेश्चन काफी टफ है ये इतना आसान नहीं है ठीक है हां जी ये इतना आसान नहीं है इंडिया हैस ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स एंड अबाउट दो सौ नॉन मेजर पोर्ट्स अच्छी बात है 95 फाइव परसेंट ऑफ इंडिया बाई वॉल्यूम एंड सिक्सटी एट परसेंट बाई वैल्यू आर मूव थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड सात सौ हजार पांच सौ किलोमीटर मेरी टाइम एजेंडा दो हजार दस बीस द टारगेट ऑफ तीन सौ मेट्रिक टन पोर्ट कैपेसिटी हैज सेट ईयर हालांकि अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे आराम से तो आप कर सकते हैं देखो इंडिया में बारह मेजर पोर्ट्स हैं बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट अब जाहिर सी बात है कि भारत में या दुनिया के किसी भी देश में जो जो बेटा ट्रांसपोर्ट होता है वो ज्यादातर शिप सही होता है कारण यह है कि एयर ट्रांसपोर्ट इज वेरी कॉस्टली तो वो तो इमरजेंसी यूज में ही आता है तो यह भी सही स्टेटमेंट है इंडिया की कोस्ट लाइन सात हजार पांच सौ किलोमीटर के आसपास है बिल्कुल सही है तो ऑब्वियस सी बात है गलत स्टेटमेंट यही मिल रहा है, है तो गलत स्टेटमेंट आपके सामने ही है तो राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का क्योंकि याद रखिएगा कि हमारा जो कैपेसिटी है वो हमें बत्तीस सौ मेट्रिक टन करनी थी याद रखिएगा तो 3200 हंड्रेड मेट्रिक टन जो है कैपेसिटी करनी थी ना कि 300 सौ मेट्रिक टन 300 सौ मेट्रिक टन तो बहुत कम होती है भैया तो 3200 सौ मेट्रिक टन हमें कैपेसिटी करनी थी हां जी नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है यहां पर एक और कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर सत्तर को देखिए दिखे. अब देखिएगा इंडिया ज्वाइंट एम मिसाइल टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा हां जी तो एमटीसीआर को भारत ने 2016 में जोड़ा है इंडिया सबमिटेड अ फॉर्मर एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ एनएसजी एनएसजी जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप आप जानते हैं इंडिया प्रपोज्ड द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन 1996 द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग सीएचओजीएम वाज हेल्ड इन 2016 एट माल्टा अब देखो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो आराम से हो जाएगा भैया तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग आपको पहले मालूम होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ हेड्स की जो गवर्नमेंट मीटिंग है वो 2016 में हुई नहीं थी याद रखिएगा सो ये मीटिंग 2015 में माल्टा में हुई थी माल्टा एक छोटा सा देश है याद रखिएगा हां जी तो ये माल्टा में 2015 में हुई थी 2016 में मीटिंग है, नहीं हुई थी याद रखिएगा हां जी तो 2016 में क्योंकि मीटिंग ही नहीं हुई थी 2015 में जो है माल्टा में हुई थी तो भाई साहब ये 70 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे एक बार सारे लोग फिर से लाइक like और शेयर बटन जरूर दबाइए बहुत बढ़िया तो अभी हम लोग करीब 50 लाइक like पर ही पहुंच पाए हैं बहुत बढ़िया भैया देखो इतना आसान नहीं था दो का पेपर कंपेरिटिवली बहुत टफ आया था तो वन दो हजार अट्ठारह जो है वो काफी टफ आया था याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कंटेक्सट है पॉलिटी से अमेंडमेंट ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रिस्क्राइब दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15 परसेंट ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट आय हाई कितनी बार आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है जल्दी बताओ हाँ जी जल्दी बताइएगा एक बार नहीं कितनी बार पढ़ाया है आपको हाँ जी कि हमारे देश में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा जैसे देखो बेटा मैंने आपको बढ़ाया है कि सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% परसेंट ऑफ लोकसभा से ज्यादा नहीं हो सकते और स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो परसेंट ऑफ विधानसभा से ज्यादा नहीं हो सकते तो सेंटर में लोकसभा का 15% परसेंट और स्टेट में विधानसभा के 15% परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकते कितनी बार पढ़ाया है तुम लोग को हान जी। बहुत अच्छा तो सेंटर में लोकसभा का 15% परसेंट और स्टेट में विधानसभा का 15%। परसेंट यह बेटा नाइनटी अमेंडमेंट एक्ट में आया था हमारे देश में जी हाँ तो इक्यानवा संवैधानिक संशोधन जी हाँ बहुत बढ़िया so, में ये कानून आया था जैसे हमारे लोकसभा की टोटल सदस्यता फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री है पांच सौ तैतालीस है तो पांच सौ तैतालीस का पंद्रह परसेंट कितना होता है तो बेटा एट्टी वन होता है तो देश में इक्यासी से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते याद रखेगा सो इंक्लूडिंग द पीएम तो पीएम को मिलाकर इक्यासी से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते बहुत बार क्लास में पढ़ाया हुआ है आप लोग को ठीक है अब ये देखो डिफेंस जीके का क्वेश्चन है इसीलिए कहते हैं भैया डिफेंस जीके पढ़ा करो हां जी तो इंडियन कोस्ट गार्ड हां जी देखिएगा डिफेंस जीके का क्वेश्चन है हां जी विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रोल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड इज आर करेक्ट कोस्ट गार्ड के बारे में क्वेश्चन है सेवेंटी टू को हां जी तो इंडियन कोस्ट गार्ड हैज बीन इंस्ट्रक्ट इंट्रस्टेड विद द ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर कोस्टल एंड सी बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी इन टेरिटोरियल वाटर्स ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सामने दिख रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बताओ हां जी बहुत बढ़िया जल्दी बताइएगा तो कोस्ट गार्ड के बारे में बात आती है इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड बीन इंटरेस्टेड विद द ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर कोस्टल एंड सी बॉर्डर कोस्टल सिक्योरिटी इन टेरिटोरियल वाटर्स बिल्कुल सही है राइट आंसर बी हो जाएगा वन टू एंड थ्री सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं कोई गलत नहीं है यहां पर याद रखिएगा ठीक है हां जी बहुत अच्छे आगे आइए भाई डिफेंस जीके करंट अफेयर्स की बात कर ली जाए देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिया फर्स्ट इंडिजिन डिजाइंड एंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल विच कैन बी डिप्लॉयड फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म अस्त्रा है आकाश है निर्भय है या शंखनाद है इंडिजिनस है बेटा देख लो इंडीजिनस का मतलब क्या होता है आपको मालूम है इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी हां जी तो जल्दी बताइएगा कि भारत की पहली स्वदेशी डिजाइन एंड डेवलप लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल हां जी तो लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से छोड़ी जा सकती है जल्दी बताओ कौन सी है भैया 73 अरे यार इतना आसान है इसे डीआरडीओ ने बनाया था बिल्कुल सही है सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश का संस्थान जिसने बनाया था राइट आंसर विल बी सी निर्भय सबको मालूम है यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है निर्भय बिल्कुल सही है हाँ जी इसको किसी का भय ना हो अब देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ एक्सीडेंट दैट अकर्ड ऑन फर्स्ट नवंबर दो एट फिरोज गांधी थर्मल पावर लिमिटेड ऊंचा हार उत्तर प्रदेश बहुत ही फेमस घटना हुई थी आपने देखा होगा फिरोज गांधी थर्मल पावर लिमिटेड जो कि एनटीपीसी का बहुत ही फेमस प्लांट है ऊंचा हार में नियर अलाहाबाद याद रखिएगा यूपी में याद रखिएगा सो ये बहुत ही फेमस है याद रखिएगा ऊंचा हार में घटना हो गई थी तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कमिटी बनाई हेड कौन थे सो एल डी पापने थे श्री धावल प्रकाश अंता थे या श्री सुधीर चक्रवर्ती थे या पी डी थे जल्दी बताइए सेवेंटी फोर का राइट आंसर जल्दी द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अ टू इन्वेस्टिगेट द दॉजेज ऑफ एक्सीडेंट दैट अकर्ड ऑन फर्स्ट नवंबर एट फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लांट उचाहार उत्तर प्रदेश तो कमेटी के हेड थे श्री पी डी शिवाल याद रखेगा सो so, श्री पी डी सिवाल वॉज द हेड ऑफ द कमेटी याद रखेगा बहुत ही बढ़िया है 74 का राइट आंसर विल बी डी हां जी कोई बात नहीं स्किप कर दिया अच्छी बात है नेक्स्ट ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा होगा बेटा इन नवंबर 2017 इंडियन शॉर्ट फिल्म द स्कूल बैग वन द बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल हेड एट मॉन्ट्रियल हु अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म आपने देखा होगा स्कूल बैग ये एक मूवी थी बेटा ये एक पेशावर की कहानी थी जहां पर एक बच्चा जो है अपनी माँ से स्कूल बैग की जिद करता है और पेशावर वही शहर है जहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो है तालिबानियों ने जो है बेटा अटैक भी किया था याद अलकायदी अलकायदा ने अटैक किया था स्कूल पर आर्मी स्कूल पर हां जी जल्दी बताइए स्कूल बैग <coughs> तो इसके जो है डायरेक्टर कौन थे तो याद रखिएगा राइट आंसर विल बी बी दैट इज मिस्टर धीरज जिंदल सो धीरज जिंदल जो थे बेटा इसके डायरेक्टर थे बहुत अच्छे भाई क्या बात है बहुत बढ़िया 75 क्वेश्चन हो गए पाकिस्तान के पेशावर पर बेस्ड थी ये मूवी बहुत अच्छे तो भाई साहब बहुत बढ़िया लाइक like और शेयर करते रहिए पंद्रह क्वेश्चन हो गए आज के अभी पंद्रह बाकी हैं तो जरा देखें लाइक like और शेयर कहां तक पहुंचा है 55 लाइक्स हो चुके हैं हंड्रेड में तो अभी फोर्टी बाकी है भाई साहब हंड्रेड में तो फोर्टी बाकी हैं हां जी धीरज जिंदल बहुत अच्छे शाबाश तो हंड्रेड में तो अभी बहुत दूरी है भाई साहब क्या बात है देखते हैं कब पहुंचाते हैं आप लोग हंड्रेड ठीक है हंड्रेड पहुंचाना ही भैया एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई अब हमारे लिए बेटा पढ़ो मतलब सच बता रहा हूं आप लोग को बुरा लगा होगा आज मैंने ऐसा कहा लेकिन सच बताऊं दिल दुखता है दिल इसलिए दुखता है कि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करते हैं और हमारा एम ये है हमारी चाहत ये है कि हमारे हर बच्चे का जो है सिलेक्शन हो आपको देखने में इजी लगता है ये सारी चीजें बनाना बेटा एक टी -टी को बनाना टाइप करवाना सल्यूशन लिखना इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम और आपको मालूम है कि आज के तारीख में दुनिया में पैसे की वैल्यू नहीं है आज के तारीख में दुनिया में पहली है बेटा समय की तो समय दो अपना समय निकालो और मेरा समय कंज्यूम करो तो बेटा आपको सिलेक्शन मिलेगा याद रखेगा ठीक है हाँ जी बिल्कुल रेग ईगल बिल्कुल बेटा हंड्रेड परसेंट सफिशियंट है अगर आप मेरे पेड कोर्स में हैं तो उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है याद रखेगा ठीक है हां जी बेटा मैं चाहता हूं कि आप सब ऑफिसर्स बने भारतीय सेना के मेरी मतलब दिली ख्वाहिश है मैं चाहता हूं तुम सबको ऑफिसर बने देखता तो बेटा देखो डांटूंगा तो मैं हूं डांटना मेरा अधिकार भी है भाई ऑब्वियसली बात है मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हो आप लोग तो आप सब मेरे छोटे भाई बहन हो या ठीक है और बड़ा भाई हूं मैं तो डांटूंगा तो भाई है, है कई बार तो बहुत ज्यादा डांटूंगा सामने होते तो लगा भी देता है एक आध लेकिन कोई बात नहीं तो मुझे अपना बड़ा भाई मानो तो मैं आप लोग का बड़ा भाई हूं ठीक है आप हमारे छोटे भाई बहन हो तो बेटा ये समझ लेना कि भैया ने डांटा है लेकिन भैया भाई डांट रहा है तो समझ लो कि वो आपका भला ही चाहता है याद रखिएगा ठीक है हाँ जी ठीक है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब देखो शाम को छह बजे ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है ठीक है इस पे आया करिए और मंथली करंट अफेयर्स परसों पढ़ेंगे चलिए इन नवंबर 2017 हजार सत्रह इंडियाज एमसी मैरी कॉम वन द गोल्ड मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट होची मी सिटी इन वियतनाम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज शी बेटा आपको मालूम है कि मैरी कॉम को देख के आप बता देंगे कौन सी कैटेगरी में लड़ती होंगी फोर्टी एट के जी फिफ्टी वन फिफ्टी फोर फिफ्टी सेवन हां जी एम मैरी कॉम बेटा यह हमारे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा है याद रखिएगा हां जी मैरी कॉम वो महिला हैं जिनको देखकर हमारे देश की महिलाएं स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हुई तो बेटा इनका एक युग है बेटा मैरी कॉम का सो so, मैरी कॉम कौन सी कैटेगरी में लड़ती हैं बेटा आप देखते हैं दुबली पतली सी दो हैं बिल्कुल छोटी सी हैं तो दुबली पतली छोटी में है फ्री वेट में लग, बिल्कुल जो है ना बोला फ्लाई वेट में लड़ती हैं बेटा 48 एट के जी हालांकि दो हजार लंडन ओलंपिक्स तक वो 51 वन के जी में लड़ा करती थी लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है 48 एट के जी में कन्वर्ट कर लिया था So, पहले वो जो है बेटा 51 कैटेगरी में लड़ती थी 2012 लंदन ओलंपिक्स तक लेकिन उसके बाद शी कन्वर्टेड टू 48 केजी याद रखिएगा हाँ जी तो इन्होंने याद रखिएगा फ्लाइट फ्लाईवेट में जीता था और इन्होंने नॉर्थ कोरिया की किम ह्यांग मी को हराया था फाइव जीरो से अब सोचो नॉर्थ कोरिया की किम ह्यांग मी को हराया है अब ऐसा कुछ हुआ होगा किम ह्यांग मी हार गई अब हार के बाद बेटा आप समझ सकते हैं किम जोंग उनको गुस्सा भी आ सकता है जोंग प्लैनेट स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड सॉलिड ग्राउंड फॉर लाइफ सॉइल्स फाउंडेशन फॉर फैमिली फार्मिंग बहुत आसान है वर्ल्ड सॉइल डे आपको मालूम है पांच दिसंबर को बनाया जाता है तो हर साल पांच दिसंबर जो है वो बेटा सोयल दिवस होता है आपको मालूम होना चाहिए जल्दी बताओ तो एंड फॉर द प्लैनेट स्टार्ट ग्राउंड सॉलिड ग्राउंड फॉर लाइफ सोयल्स फाउंडेशन फॉर फैमिली फार्मिंग बहुत आसान है जल्दी बताओ तो भैया जाहिर सी बात है कि अगर आपको हमारे अर्थ की चिंता है तो उसकी शुरुआत आपको ग्राउंड से करनी पड़ेगी केयरिंग फॉर द प्लैनेट स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड बिल्कुल सही है राइट आंसर बेटा बी हो जाएगा सो बी इज द राइट आंसर केयरिंग फॉर द प्लैनेट स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड तो बहुत ही बढ़िया राइट आंसर इज बी जी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑफ 2017 तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का विनर कौन है किदाम्बी श्रीकांत हैं, एचएस एस हैं, अजय जयराम हैं या साई प्रनीत हैं। 78 इजी क्वेश्चन तो नहीं है अब आपने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप देखी होगी तभी आप बताएंगे भैया इसे हां जी जल्दी बताओ 78, 78 को देखिएगा बहुत बढ़िया है नेशनल बैडमिंटन चैंपियन कौन है किदाम्बी श्रीकांत है एच एस प्रनोय है हां जी अजय जयराम हैं या साई प्रनीत हैं जल्दी फास्ट बहुत बढ़िया शाबाश 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 बिल्कुल सही है राइट आंसर इज मिस्टर एच एस प्रनॉय तो एच एस प्रनॉय इज द राइट आंसर सेवेंटी एट हाँ जी बिल्कुल सही है यह नागपुर में हुई थी याद रखिएगा हां जी नेक्स्ट है देखो वर्ल्ड हिस्ट्री अब देखो यहां पर एक चीज समझो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना बेटा वो दो के बाद आना बंद हो गई तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है दो हजार उन्नीस के बाद आना बंद हो गई है यूसेज ऑफ क्रूर इंसान को कहा जाता है इट डायव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बारबरॉस विच मीन अ नॉन ग्रीक रोम यूज द टर्म फॉर दर्मैनिक ट्राइब द गोल्फ एंड द गया कौन सा सही है बारबेरियन जल्दी बताओ हां जी बारबेरियन जल्दी देखिएगा जल्दी देखो बारबेरियन बारबेरियन तो पहली चीज ये है ग्रीक वर्ड है बारबरॉस जिसका मतलब होता है नॉन ग्रीक रोमन्स यूज द टर्म फॉर द जर्मैनिक ट्राइब बिल्कुल सही है जो घोल्स और हूं रोम की तरफ आ गए थे ग्रीक की तरफ आ गए थे उन्हें कहा जाता था बोथ वन एंड टू इस इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करना यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कई क्वेश्चंस को आप जो है स्किप भी कर सकते हैं हां जी अब देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है कौन सा नॉट करेक्ट है अब ये क्वेश्चन बहुत टफ है बेटा लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर सकते हैं अल बरूनी आइडेंटिफाइज द सूफी डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन लव फ्रॉम भगवदगीता अकॉर्डिंग टू अल बरूनी सूफी थ्योरीर टू दो पतंजलि अमृता कुंडा हैज लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन सुफिज कन्वर्सेशन विदी शो दैट ही वॉज इम्प्रेस्ड विद्योरी ऑफ डिविजन ऑन ह्यूमन बॉडी मतलब ये क्वेश्चन तो मैं गारंटी आपको बता देता हूं ऐसा क्वेश्चन आपको स्किप ही करना चाहिए ऐसा क्वेश्चन बेटा स्किप ही करना चाहिए क्योंकि बेटा मैं आपको सच बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इतिहास में पीएचडी किया हो सच बता रहे हैं अब भाई ऐसे क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं जब आपने इतिहास में पीएचडी किया हो अदरवाइज आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते मैं आपको गारंटी लिख देता हूं तो ये क्वेश्चन जो भैया इतिहास में जो लोग सिर्फ इतिहास ही पढ़ते हैं जीवन में जिन्होंने पूरा जीवन इतिहास को समर्पित कर रखा है वही कर सकते हैं तो याद रखिएगा एक योगी थे उनके साथ जो है हुजवीरी का कन्वर्शन नहीं हुआ था बेटा निजामुद्दीन औलिया का कन्वर्जन हुआ था तो ये हुजवीरीज कन्वर्सेशन नहीं है बल्कि निजामुद्दीन औलिया का कन्वर्सेशन हुआ था हाँ जी ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना ही बेहतर होता है क्योंकि ये करने योग्य क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे कि 2018 तक तो आया करते थे लेकिन उसके बाद ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी को रिलाईज हुआ कि भैया हम बच्चों को फौज में अफसर बना रहे हैं ना कि भैया उन्होंने आई एस ऑफिसर नहीं बनाना है तो यूपीएससी को ये रिलाईज हुआ कि इतने टफ क्वेश्चन बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये आउट ऑफ सिलेबस है ये बिल्कुल कोई कंटेक्सटी नहीं है याद रखिएगा ये एक आम आदमी कर ही नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन ठीक है जो, भाई जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि भैया हमने इतिहास को पढ़ा है अब इतिहास में हमने डॉक्टरेट थोड़ी ना किया है जो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो इसका कोई जरूरत नहीं करने की नेक्स्ट तो भाई अस्सी क्वेश्चन हो गए अब लास्ट के दस क्वेश्चन बचे हैं एक बार फिर से लाइक और शेयर हो जाए 67 लाइक्स पर हम पहुंच चुके हैं अभी 100 में बेटा 33 की कमी है 33, 33 तो वैसे बहुत होते हैं ठीक है देखते हैं कौन पहुंचाता है ठीक है हां जी हम्म बहुत बढ़िया शाबाश कंसीडर द फॉलोइंग हिस्ट्री क्वेश्चन है देखेगा सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट्स दैट इवन ड्राई ब्रेड इज सेक्रेटली लेफ्ट टू फिल देर स्टमक्स

की कंडीशन को देखकर कहा था जल्दी बताइएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो फ्रेंक्रिस्को पेर है या निकोलाओ मनुची है भाई जल्दी बताइएगा ऐसा किसने कहा था भाई देखो बर्नियर ट्रेवेनियर और मनुची इन सब ने तो मुगल एम्पायर की बड़ी तारीफें करी हैं इन सब ने मुगल एम्पायर की बड़ी तारीफें की हैं तो ये तो कहेंगे नहीं ऐसा बर्नियर और ट्रेवेनियर आपको मालूम है बेटा ये आपके जो हैं उसके समय में आए थे किसके शाहजहां के समय में और मनुची भी शाहजहां के समय में ही आया था याद रखिएगा इटालियन ट्रेवलर था ये दोनों फ्रेंच थे एक डच ट्रेवलर था जिसने कहा था फ्रेंकिसको पल्सराट ने याद रखिएगा हाँ जी थोड़ा ध्यान लगाया करो आंसर मिल जाएगा फ्रेंकिसको पल्सराट ने कहा था याद रखिएगा कि किसानों को इतना निचोड़ लिया जाता है कि उनके पास सूखी ब्रेड भी नहीं बचती है अपने पेट को भरने के लिए यह कंडीशन है किसानों की मुगल एंपायर में ऐसा एक डच ट्रेवलर थे फ्रेंकिसको पल्सराट ने कहा था याद रखेगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हां जी वॉट इज द नेम ऑफ द लिटरली जीन डेवलप्ड बाई द खोजास हु ब्रांच ऑफ इस्माइली सेक्ट जी ब्रांच ऑफ दाइली सेक्ट आपको मालूम है कि इस्लाम में जो शिया सेक्ट होता है उसमें इस्लाइली सेक्ट होता है तो एक लिटरली जेनरेट है डेवलप बाई हु आर ब्रांच ऑफ इसमाइली सेक्ट जी गिनान है जियारत है राग है या शहादा है जल्दी बताओ बहुत बढ़िया जल्दी देखिएगा बहुत बढ़िया जल्दी बताओ नेम ऑफ द लिटरली जीन जनरेट डेवलप बाय द खोजाज आर द ब्रांच ऑफ स्माइली सेक्ट। स्माइली सेक्ट आपको मालूम है इस्लाम में शिया सेक्स में मिलता है लिटरली जनरेट डेवलप बाय द खोजाज आर द ब्रांच ऑफ स्माइली सेट आर डिवोशनल हिंद पोएम डिसाइडेड बाय शिया इसमाइली मुस्लिम याद हां जी हिस्ट्री का क्वेश्चन है वॉज वर द टेंथ सेंचुरी कंपोजर्स ऑफ द ना दिव्या प्रबंधम नलारिया दिव्या प्रबंधम अलवार नंश है अपार है या संबंधर है जल्दी बताओ नलारिया दिव्या प्रबंधम ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है नलारिया दिव्या प्रबंधम जल्दी बताओ बहुत बढ़िया बहुत अच्छे नलारिया दिव्या प्रबंधम आपने सुना होगा क्वेश्चन थ्री को देखो हां जी बिल्कुल सही है राइट आंसर बेटा ये तमिल में लिखा हुआ है ये अलवार्स थे हाँ जी सो द सेंचुरी कंपोजर ऑफ नलारिया दिव्या प्रबंधम नलारिया दिव्या प्रबंधन कलेक्शन ऑफ फोर्टी फोर थाउजेंड तमिल वर्सेस नलारियम इन तमिल मीन योर थाउजेंड कंपोज बाई दॉ कंपाइल्ड इन द प्रेजेंट फॉर्म बाई नाथ मुनि ड्यूरिंग द नाइन टेंथ सेंचुरी याद रखेगा ठीक है जी अब देखो भैया ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे गारंटी ये क्वेश्चन तो मेरे बच्चे कर लेंगे भाई ये तो मैं हंड्रेड परसेंट कह रहा हूं ये बच्चे मेरे कर लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट असेंडिंग नॉट लिफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लिफ्टिनेंट कर्नल कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जनरल फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन लीडर विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन एयर कमोडोर एयर वाइस एयर मार्शल एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन लीडर ग्रुप कैप्टन विंग कमांडर एयर कमोडोर एयर वाइस मार्शल एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल सब लेफ्टिनेंट 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 कमांडर कमांडर कैप्टन कमोडोर रियर एडमिरल वाइस एडमिरल एडमिरल ये तो आप बता दोगे भैया ये तो बच्चे हमारे कर डालेंगे ये तो भैया तबाही मचा के करेंगे बच्चे हमारे तो गलत होने का हिसाब ही नहीं है भाई साहब जरा ध्यान से देखिएगा लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल बिल्कुल सही है फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन लीडर विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन एयर बिल्कुल सही है फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन लीडर ग्रुप कैप्टन अरे नहीं 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 बेटा विंग कमांडर पहले आएगा पहले विंग कमांडर आएगा ना विंग कमांडर इज इक्वल टू द मेजर एंड ग्रुप कैप्टन हां जी बिल्कुल सही है शाबाश राइट आंसर सी हो जाएगा बहुत बढ़िया हाँ जी सो राइट आंसर सी हो जाएगा पहले बेटा विंग कमांडर आएगा ना फिर ग्रुप कैप्टन आएगा क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान आपको मालूम है मेजर रैंक होती है याद रखिएगा बिल्कुल सही है राइट आंसर सी है ये गलत है क्योंकि ग्रुप कैप्टन बाद में आएगा विंग कमांडर पहले आएगा विंग कमांडर छोटा होता है ग्रुप कैप्टन कर्नल के बराबर रैंक होती है अच्छा बताओ भारत में कौन ऐसा खिलाड़ी है जो कि एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है ऑनररी जल्दी बताओ <laughs> तो भारत का कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स खिलाड़ी है जो इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी ग्रुप कैप्टन है जल्दी बताओ देखते हैं कौन बताता है हाँ जी बहुत बढ़िया जल्दी बताइएगा भाई लेफ्टिनेंट कर्नल तो धोनी साहब हैं सब लोग जानते हैं हाँ टेरिटोरियल आर्मी में अब प्रश्न ये आता है कि ऑनररी ग्रुप कैप्टन कौन है भारत से जल्दी बताओ बहुत अच्छे हम्म सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया शाबाश क्या बात है भाई तो सचिन तेंदुलकर इज द ऑनरेरी ग्रुप कैप्टन यस द मास्टर ब्लास्टर बहुत अच्छे भाई साहब लाइक और शेयर एक बार और हो जाए बहुत बढ़िया सेवेंटी फोर पे हम पहुंच चुके हैं अब हंड्रेड लाइक में सिर्फ ट्वेंटी सिक्स की कमी है ट्वेंटी सिक्स और होते ही हम पहुंच जाएंगे हंड्रेड पर भाई साहब हंड्रेड पहुंचते ही तबाही तबाही और तबाही तो 100 में से 26 कम है भाई साहब 26 कम होते ही हमारा जो है 100 पूरा हो जाएगा 26 लेकिन बहुत होते हैं देखते हैं कब होते हैं 26 की कमी है लगा दो भाई आगे एक बार फिर से सारे के सारे बच्चों बहुत बढ़िया सचिन आई लव सचिन बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश बहुत अच्छे क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है नेक्स्ट कंटेक्स्ट है पॉलिटी से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आर नॉट करेक्ट ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी बात है प्रिवलेजेस ऑफ द मेबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत अच्छी बात है ही इज द होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बाई द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉट तो करेक्ट है और चार स्टेटमेंट है जहां बेटा चार स्टेटमेंट आ गए समझ लीजिए कि एलिमिनेशन तो गारंटी लगना है तो एलिमिनेशन तो लगना ही लगना है आइए देखते हैं नॉट करेक्ट ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ये तो करेक्ट है मतलब भैया पहला तो नहीं हो सकता ये गया बाहर ये दोनों स्टेटमेंट हो गए बाहर ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है He is entitled to the privileges of the member of parliament. Of बेटा बिल्कुल सही बात है अच्छा चलो वो छोड़ दो ही मस्ट the सेम क्वालिफिकेशन required by जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मतलब ये भी नहीं हो सकता आंसर अपने आप ही सामने आ गया तो देखो बेटा एलिमिनेशन में फायदा क्या हुआ कि आपको चार में से दो स्टेटमेंट भी आते हैं तो आप काम कर सकते हैं चार में से दो स्टेटमेंट भी अगर आते हैं तो काम हो जाएगा क्योंकि बेटा याद रखिएगा होल टाइम काउंसिल नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको एक हजार बार बताया होगा कि जो अटॉर्नी जनरल होता है ही इज अलाउड टू डू द प्राइवेट प्रैक्टिस ऑल्सो तो जो अटॉर्नी जनरल होता है उसे निजी वकालत करने का भी अधिकार होता है और वो भारत सरकार के साथ साथ अपने पर्सनल केसेस भी लड़ सकता है और इसी वजह से मैंने आपको उस दिन बताया था कि अटॉर्नी जनरल को अपनी सैलरी नहीं मिलती है क्यों क्योंकि वो सरकारी केस के साथ साथ पर्सनल केसेस भी देख सकता है शाबाश 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा हां जी अरे भाई अंडर विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सिक्किम एडमिटेड टू द यूनियन ऑफ इंडिया ये भी कोई क्वेश्चन होता है तो भैया कौन से संशोधन में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया आप जानते हैं सिक्किम भारत का राज्य बना है 1975 में अब तो बताने में क्या जा रहा है तो सिक्किम भारत का राज्य बना था 1975 में हम सब जानते हैं जल्दी बताओ बहुत अच्छा हाँ जी तो 35, 36, 37, 38 ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार लल्लू छाप क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू छाप 86 का राइट आंसर बी है थर्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 सेवेंटी फाइव छत्तीसवां संवैधानिक संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का राज्य घोषित किया गया स्टैटिक के करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकेम अ पार्ट ऑफ चाइना इन 1997, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स, तिब्बत हांगकॉन्ग जिंगजियांग या इनर मंगोलिया बहुत ही आसान है 1997, भाई साहब सोचो, भाई सोचो ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि 1996 में ये देश जो है वो इंग्लैंड से आजाद हुआ था तो ये देश जो है 1996 में इंग्लैंड से आजाद हुआ था तो इंग्लैंड से आजाद हुआ था और उसके बाद चाइना का हिस्सा बना वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ये तो सब लोग बता देंगे हाँ जी सो वन कंट्री एंड टू सिस्टम राइट आंसर इज बी दैट इज हांगकॉन्ग हांगकॉन्ग जी हां हांगकॉन्ग बहुत बढ़िया लास्ट के तीन क्वेश्चन क्वालिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट स्टेट इन इंडिया कैन नॉट हैव देयर ओन ओन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज इट्स इन इंडिया डू नॉट हैव द राइट टू सिकीड फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ डेली कैन बी फिफ्टीन परसेंट ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बात है क्या बात है अगर आपने मुझसे पॉलिटी पढ़ी है तो यह क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता बेटा बिल्कुल नहीं हो सकता मैंने बताया था कि जो सेंटर होता है और जो स्टेट होता है तो सेंटर में 15% परसेंट ऑफ लोकसभा होता है स्टेट में 15% परसेंट ऑफ विधानसभा होता है लेकिन यूनियन टेरिटरीज में आपको मालूम है तीन यूनियन टेरिटरीज दिल्ली पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर ये ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर अपनी सरकार होती है और इनका नियम यह है कि यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विधानसभा के 10 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकते तो यूनियन टेरिटरीज में याद रखिएगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो विधानसभा के 10 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकते सेंटर में लोकसभा का 15 परसेंट स्टेट में विधानसभा का 15 परसेंट लेकिन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा के दस से ज्यादा नहीं होंगे जैसे दिल्ली में टोटल मेंबर्स विधानसभा में सत्तर हैं तो उसका दस होता है सात मतलब दिल्ली में सात से ज्यादा एमपी सात से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते याद रखिएगा। सो मैक्सिमम मिनिस्टर्स इन दिल्ली कैन बी ओनली सेवन याद रखिएगा। हां जी, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर जी। करेंट अफेयर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ऑफ इंडिया फॉर दो हजार क्या बात है एट्टी नाइन जी दिस इज थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान एटी okay, नाइन को देखिएगा द एन डब्ल्यू ए पी इज एक्स इट इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज द द रिलेटिंग टू क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ है एनडब्ल्यू पी एनडब्ल्यू ए पी है याद रखिएगा तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान भाई देखो एक चीज सही है जब 2017 में आ रहा है तो क्लाइमेट चेंज तो बिल्कुल होगा मतलब दूसरा तो गारंटी सही होना ही होना है ठीक है ये तीसरा नेशनल प्लान था यह भी सही है मतलब पहला भी होगा ही होगा मतलब कि ये वो नहीं हो सकता अब इसमें और इसमें सही आंसर है तो एनडब्ल्यू जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बेटा उसके अंदर टोटल पांच कंपोनेंट्स होते हैं सो याद रखिएगा इसके अंदर टोटल पांच कंपोनेंट्स हैं सत्रह थीम हैं एक सो कंजर्वेशन स्टेटस और दो प्रोजेक्ट्स हैं राइट आंसर इज डी अब लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे ग्रोथ इन द प्रोडक्शन इन परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग पीरियड दो हजार पंद्रह सोलह वॉज निगेटिव अब देखो भैया नेचुरल गैस है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं फर्टिलाइजर्स हैं कोल है तो भैया एक चीज तो है कि पूछा है कि नेगेटिव है तो कोल तो नहीं हो सकता फर्टिलाइजर भी नहीं हो सकता होना इन दोनों में ही है तो होना इन दोनों में ही है क्योंकि कोल तो हमारे देश में इफरात होता है फर्टिलाइजर की भी कमी ज्यादा नहीं होती है तो होना तो इन दोनों में है नेचुरल गैस होगा या रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होंगे हाँ जी क्वेश्चन नंबर नब्बे हां जी बिल्कुल सही है ऑब्वियसली बात है हमारे देश में नेचुरल गैस होती ही कहा ज्यादा बिल्कुल सही है राइट आंसर विल बी ए जी ठीक है हां जी तो ये हो गया भाई साहब हमारा जो है आज के क्वेश्चन डन तो पार्ट थ्री इज ओवर बताओ भैया सेशन को एक बार लाइक like बटन थोक दो यार सारे लोग क्वेश्चन हो गए सेवेंटी एट लाइक्स पर ही पहुंच पाए खत्म करते करते हम लोग सौ तक पहुंचे नहीं चलो कोई बात नहीं बाईस की कमी रह गई कोई बात नहीं कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा तो आपकी कोशिश ये करते रहिए कि एग्जाम को हम कैसे और बेहतर अच्छी तैयारी करते रहें हम कोशिश यह करते रहेंगे कि बच्चों को कैसे कैसे सेशन में बढ़ाया जाए ठीक है शाबाश थैंक यू तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दिखाया करिए सब लोग ठीक है हमारे लिए आपका फीडबैक ही सबसे ज्यादा जरूरी है मजा आया कि नहीं आया जल्दी बताइएगा मजा आया कि नहीं आया बहुत अच्छे तो ये हो गए हमारा डन तो भैया ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इससे जुड़ जाइए अपडेट्स नोटिफिकेशन पीडीएफ यहीं पर मिलते हैं सारे और ये हमारा बैच है सी डी एस ओटीएगा नाइनटी डेज का बैच याद रखिएगा ये दस अगस्त से शुरू हो चुका है जिसमें जीएस मैं पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी डॉक्टर मिश्रोदिया और मैथ सुजीत सर सब्सक्रिप्शन लेने का फॉर्मूला देखो क्या है कि अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ रिवीजन करना है एक महीने एक बार में निकाल दोगे पेपर तीन महीने दो बार में निकालोगे छह महीने आराम से तैयारी करनी है बारह महीने मतलब इसमें दो बार सी डी एस दो बार एफ कैट दो बार आईनेट एक बार टेरिटोरियल आर्मी एक बार सीएपीएफ की तैयारी कर सकते हो और ग्रेजुएशन में अगर नए हो तो चौबीस महीने का भी ले सकते हो कोड याद रखना बस क्यू ए लाइफ जैसे ही इस कोड को लगाएंगे यू विल गेट टेन परसेंट ऑफ फ्लैट डिस्काउंट ठीक है चलो बेटा तो शाम को छह बजे मिलते हैं आज प्रैक्टिस सेशन में काफी मजा आने वाला है आज भी और साढ़े तीन बजे परसों मिलेंगे मंथली करेंट अफेयर्स पे थैंक यू सर एन के लिए कब एग्जाम आएगा 2021 बेटा एनआईए का कोई एग्जाम नहीं होता है ठीक है एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना उसके बारे में बात कर रहे हो उसका कोई एग्जाम तो को होता नहीं है चलो भाई सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा जय हिंद जय भारत वंदे भात